क्रिकेट मैच की शुरुआत में कॉइन ही टॉस करते हैं या 10 रुपए के अंदर 1 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे मिल जाता है? ये दोनों चीजें एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर क्या है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं शेपर्स एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लोग पहले के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक दिए क्रिकेट मैच में कॉइन टॉस क्यों होता है, तो उसकी बहुत सिंपल सी वजह है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर एक कॉइन होता है तो उसकी दो साइड होती हैड और टेल साइड। ये बहुत ईजी होगा कहना कि हर साइड के आने की चांस 50-50% है, यानी हेड आने की चांस 50% है और टेल आने की चांस 50% है। दूसरा, 10 रुपए के अंदर 1 करोड़ का इंश्योरेंस, हाँ ये पॉसिबल है। ये कैसे आता है, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस देखें तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कई सारे सैकड़ों लोगों का एक जैसा इंश्योरेंस करती है। यानी अगर आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आपके जैसे 10 लाख और लोग होंगे जिन्होंने ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा। यानी उन 10 लाख में से एक व्यक्ति भी बीमार हो जाता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना है, क्लेम देना है, वरना सारा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी का। इसलिए ऐसा आप कहते हैं कि आप 10 रुपए के अंदर भी 1 करोड़ से ज्यादा का इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये सब चीजें किस पे डिपेंड होती है, ये सब चीजें डिपेंड होती है प्रोबेबिलिटी पे। अभी प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो सीखते हैं। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी, बहुत इजी सी एग्जाम्पल है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमें बताती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हमारा फेवरेबल इवेंट ए जो होने वाला है उसके होने की कितनी चांसेस है, यानी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए, यानी ए के होने की कितनी चांसेस है या जो हमारे लिए फेवरेबल है, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अगर हम इस तरीके से इसे डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। कहने वाली बात है, अगर मैं चाहता हूं कॉइन टॉस करने पर हेड आ जाए तो यानी कॉइन में एक हेड होता है तो हेड आने की चांस कितनी हो गई, 1, और टोटल साइड कितनी कॉइन की, 2 होती है, हेड और टेल, यानी इसकी चांस हो गई 1/2, यानी 50% या हाफ चांस है हेड आ जाए, हाफ चांस है टेल आ जाए। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अगर हम थियोरेटिकल सेंस में देखें तो ये ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं एम और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं एन। यानी एम हुआ हमारा फेवरेबल आउटकम्स और एन हुआ हमारा टोटल। अब ये एन और एम निकालने के भी अपने अपने तरीके। चलिए उससे पहले हम लोगों को सीखना है टोटल आउटकम्स के बारे में। टोटल आउटकम्स क्या होते हैं भाई, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हमें पहले से पता होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर वो वीडियो जहाँ आई बटन पे आ रहा होगा वो जरूर देखिए। तो एन यानी टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो हमें पता लगाएंगे, 2-3 तरीके से पता लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अगर हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कार्ड्स के बारे में है तो उस केस में टोटल आउटकम्स आमतौर पर 52 होते हैं। यानी 52 कार्ड्स के अंदर से हमको एक कार्ड निकाले तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 52 होंगे। वहीं अगर हमने एक डाई को फेंका है तो उसके अंदर टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है हमारा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से काम करता है। फिर भी टोटल आउटकम निकालने के लिए दो बातों को और ज्यादा डिवाइड करा गया है। उसमें सबसे पहली बात आती है, पहला टाइप है विद रिप्लेसमेंट और दूसरा है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये विथ रिप्लेसमेंट क्या है, यानी आपका टोटल आउटकम्स में से अगर आप एक चिट, एक ड्रॉ, एक चीज निकाल लेते हो उसके बाद उस चीज को वापस इंक्लूड कर देते हो तो वो होता है विथ रिप्लेसमेंट। और अगर आपने किसी चीज को एक बार बाहर निकाल लिया, सिलेक्ट कर लिया और आप उसे वापस इंक्लूड नहीं करोगे तो वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। इन दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। विथ रिप्लेसमेंट अगर कोई इवेंट होगा उसको डिफाइन करेंगे एन से, और जो एन होगा उसकी पावर होगी एक्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर आपने एक डाई को 2 बार फेंका तो क्या होगा, एक डाई की साइड होते हैं 6 और उसे आपने 2 बार फेंका यानी उसका स्क्वायर, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। उस डाई को अगर आपने 3 बार फेंक दिया तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 216 यानी 6 का क्यूब। ये बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, इसकी मदद से आगे वाले सब हमारे आसानी से सॉल्व होंगे। फिर हो सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बहुत आसान होता है, वो इस तरीके से डिफाइन कर जाता है एन सी एक्स, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर ऐसा कोई इवेंट है जिसमें हमें कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है, कुछ चीजों को लेना है, उसे वापस इंक्लूड नहीं करेंगे, वहां हमें कॉम्बिनेशन यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। यानी इसे कैसे निकाला जाता है, देखिए अगर हमारे पास 6 आउटकम्स है और उसमें से हमें 2 लोगों को चुनना है तो वो लिखेंगे हम लोग 6 × 5 / 2, यानी अराउंड हमारे पास 15 आउटकम्स है।
तो अभी हमने सीखा कि एन कैसे निकाला जाता है, टोटल आउटकम कैसे निकाले जाते हैं। अब हमें सीखना है कि एम कैसे निकाला जाएगा, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम। भाई फेवरेबल आउटकम इन्हीं टोटल आउटकम का ही एक सबसेट है, हिस्सा है। यानी इन टोटल आउटकम्स में से हमारे जीतने के लिए कौन सी जरूरी चीज है, हमारे फायदे वाली कौन सी चीज है, उसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। तो वो फेवरेबल आउटकम डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या, तो वो हमारी एग्जाम्पल्स करते हुए हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी के फर्दर एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है जो आपके आंसर को हमेशा सही कर देगा, जो है रूल नंबर वन। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से बड़ी और वन से छोटी आती है। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी जीरो से छोटा नहीं आएगा और वन से बड़ा नहीं आएगा, ये इन दोनों के बीच में ही आ सकता है। ये हो गया हमारा रूल नंबर वन। रूल नंबर टू प्रोबेबिलिटी का, जो आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से। यानी आपको दिया होगा पी ऑफ ए डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो जो ए के ना होने के बारे में बताती है, तो उसे लिखा जाएगा इस तरीके से, वन माइनस पी ऑफ ए। ये रूल्स आपको याद करने हैं, ये रूल्स आप याद करेंगे तो आगे वाले एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा रूल है जो अभी हमारे एग्जाम्पल में काम आएगा, वो है लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन इस तरीके से बताता है हमें, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू लॉ ऑफ एडिशन, दोनों को एडिशन के बारे में बताता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पर यहां पर अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इनका इंटरसेक्शन डबल बार आ जाएगा, तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ एडिशन। तीन रूल हमें याद रखने हैं। पहला तो यानी प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में आती है, उससे बड़ी उससे छोटी नहीं आ सकती। प्रोबेबिलिटी के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालने हैं तो हमें पी ऑफ ए डैश होता है वन माइनस पी ऑफ ए, और लॉ ऑफ एडिशन होता है पी ऑफ ए यूनियन बी, तो होगा वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये एक नॉर्मल इवेंट के बारे में। पर अगर आपका इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये याद रखने वाली बात है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर होता है तो यही आपका लॉ ऑफ एडिशन जो होगा वो हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है जीरो, कुछ भी नहीं होता उसकी जगह। तो आप लॉ ऑफ एडिशन को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ। चलो ये तीन रूल सीख लिया। अब हम ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें ये तीनों के तीनों रूल अप्लाई होते हैं। चलिए सीखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक ट्रू इवेंट के बारे में। हाँ भाई, ये ट्रू इवेंट मेरे साथ में हुआ था। मेरी मम्मी ने फ्रिज में आइसक्रीम रखी रात को, और अगले दिन वो आइसक्रीम फ्रिज में नहीं। मेरी मम्मी का शक गया मेरे ऊपर और मेरी बहन के ऊपर, और उन्होंने सोचा कि भाई क्या हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चों ने ये आइसक्रीम सुबह होते होते खा ली होगी। चलिए समझते। तो बेसिकली मेरी मम्मी का जो शक है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, यानी मेरा नाम है जय, तो मेरे आइसक्रीम खाने के चांस जो है वो है 2/5। यानी ऐसा हो सकता है 5 में से 2 चांसेस हो सकती है कि भाई मैंने वो आइसक्रीम खाई हो। पर मेरी मम्मी का मेरी बहन पे बहुत भरोसा है, यानी वो ऐसा मानती है कि पी ऑफ के डैश, यानी मेरी बहन आइसक्रीम खा ही नहीं सकती, इसकी चांसेस जो है वो उनकी है 1/5। यानी ऐसा इवेंट जहां पर मेरी बहन आइसक्रीम खाएगी ही नहीं, इतना भरोसा है उनको, उसके कहा गया है हमने पी ऑफ के डैश 1/5। और उनका ऐसा भी मानना है कि हो सकता है कि हम दोनों ने मिलकर वो आइसक्रीम खा ली हो, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसे कहा जाएगा पी ऑफ जे इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, यानी हमने क्या समझा, ये जे यानी मैंने अगर आइसक्रीम खाई होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, मेरी बहन ने आइसक्रीम नहीं खाई होगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, और हम दोनों ने मिलकर आइसक्रीम खा ली है तो वो हो सकती है 1/5। अब हमारी मम्मी को जानना है कि ऐसा एटलीस्ट एक इवेंट बताओ जिसमें हो सकता है कि दोनों ने ही आइसक्रीम खाई हो, यानी मैंने खाई हो या मेरी बहन ने खाई हो या हम दोनों ने आइसक्रीम खाई। तो उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, याद रखने वाली बात है, याद रखना है हमें पी ऑफ जे यूनियन के। ठीक है, ये यूनियन क्या बताता है, यानी एदर ए एदर बी, यानी या तो मैंने या तो मेरी बहन ने, दोनों में से एटलीस्ट किसी एक ने आइसक्रीम खाई होगी, तो हमें निकालना पड़ेगा पी ऑफ जे यूनियन के। चलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत ही आसान है, ये बनेगा पी ऑफ जे प्लस
पी ऑफ के माइनस पी ऑफ जे इंटरसेक्शन के। अब इंटरेस्टिंगली हमें इसमें से दो इवेंट तो पहले से मिल गए, पी ऑफ जे हमारे पास है और पी ऑफ जे इंटरसेक्शन के, पर हमारे पास ये इवेंट नहीं है पी ऑफ के। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमारे रूल्स को याद करेंगे कि पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए होता है, ये हमने सीखा था। उसी चीज को हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे पी ऑफ के निकालने के लिए। तो भाई पी ऑफ के कैसे निकलेगा, इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे, रूल नंबर टू का, पी ऑफ के डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ के। तो हमारे पास ये इवेंट दिया हुआ है पी ऑफ के डैश है 1/5 और हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस पी ऑफ के। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अराउंड हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 4/5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, यानी रूल नंबर टू का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब रूल नंबर थ्री जो हमारा मेन सम है वो हमें ढूंढना है, यानी हमें ढूंढना है पी ऑफ जे यूनियन के। तो उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट हमारे पास आ गए, चलो उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। यानी पी ऑफ जे यूनियन के इज इक्वल टू पी ऑफ जे यानी 2/5 प्लस पी ऑफ के यानी 4/5 माइनस पी ऑफ जे इंटरसेक्शन के यानी 1/5। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 + 4 = 6 - 1, तो अराउंड आ गया यहाँ पे 5/5। दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी अराउंड आ जाएगी 1। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया। यानी हमने सीखा कि लॉ ऑफ एडिशन कैसे इस्तेमाल करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकाले जाते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले हमारे कंडीशन पे, जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली उन इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी आमतौर पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। चलिए समझते हैं कैसे ये काम करती है। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपको एमबीए करना है और आपको यूएस जाना है, तो भाई आपको एमबीए करना है उसकी चांस जो है वो अराउंड 2/5 है, यानी 2/5 ऐसी कंडीशन है कि आप एमबीए कर लोगे। और एमबीए करने के बाद अगर आप यूएस जाओगे उसकी चांस हमें पता लगानी है, तो वो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मिलेगी। यानी पहली कंडीशन पूरी होने के बाद दूसरी कंडीशन होगी या नहीं होगी वो बताती हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है वो देखते हैं। बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, पी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, यानी पी ऑफ बी बाय ए यानी इवेंट बी होने की कितनी चांस होती है इवेंट ए होने के बाद में, वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होगा, पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए। अल्टरनेटिवली हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ए डिपेंड हो बी पे यानी ए बाय बी, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ, यानी जो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा बेसिकली उसे हमें डिवाइड करना है और ऊपर लिखना है इंटरसेक्शन। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है हमारा रूल नंबर फोर, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल नंबर फोर, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यही ऊपर वाले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को यूज करना है। आपको लिखना है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बाय बी, ये आपका लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया। अल्टरनेटिवली अगर आपके इवेंट इंडिपेंडेंट है, यानी ए के होने से बी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और बी के होने से ए के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो लॉ ऑफ एडिशन हो सकता है ऐसा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यानी हमने चार रूल सीखे, चौथा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ये आइडिया और क्लियर हो जाए। तो अब हम समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इंप्लीमेंट कैसे करा जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल।
देखिए एग्जाम्पल नंबर टू जो मैंने आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो देखते हैं। यहाँ बता रखा है सपोज देयर आर 100 पर्सन इन अ ग्रुप, लगभग 100 लोग हैं ग्रुप के अंदर, उसमें से 60 मेल है और 40 फीमेल्स है। उसमें से करीबन 15 जो लोग हैं वो स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे लगाते हैं, और उन 15 लोगों के अंदर से 10 लोग मेल्स हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता लगाना है कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। यहाँ हमने सपोज करा है कि ए डिनोट्स करता है मेल को, यानी कितने मेल्स हैं ग्रुप में उस हिसाब से, और बी डिनोट्स करता है कितने लोग चश्मे लगाते हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। पहले लिखेंगे पी ऑफ ए, यानी मेल्स जो हमने ए से डिनोट करा है वो कितने हैं भाई, 100 में से 40 है, यानी 40/100। इजी। दूसरी बात हमने समझ ली है कि भैया पी ऑफ बी यानी चश्मे लगाने वाले लोग कितने हैं, तो 15 है, कितने में से 100 में से। तो हमारे पास दो इवेंट हमें मिल गए, यानी पी ऑफ ए यानी मेल होने की प्रोबेबिलिटी और चश्मा लगाने की प्रोबेबिलिटी है 15/100। अब हमें फाइंड करना है कि कितने मेल्स हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो उसे कहा जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ बी बाय ए, कि ए के होने के बाद यानी मेल होने के बाद उसे चश्मा होना चाहिए, वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी वो होना चाहिए मेल जो कि हमारे पास 40/100, और उसे चश्मा होना चाहिए वो होगा हमारा 15/100। ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो हमारे पास मिलेंगे वो मेल जो कि चश्मा लगाते हैं, और ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 आउट ऑफ 60, यानी ऐसे 10 मेल है जो चश्मा लगाते हैं और वो 60 मेल्स के अंदर से है, तो वो आ गया 10/60। तो चलो देखते हैं अब इसमें रूल नंबर 4 कैसे काम आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि रूल नंबर 4 इस तरीके से काम आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें फाइंड करना है तो रूल नंबर 4 काम आएगा। इसका मतलब है वो मेल्स जो चश्मा लगाते हैं यानी उनका इंटरसेक्शन हो गया, मेल भी होना चाहिए और चश्मा भी लगाना चाहिए, यानी उसको लिखने का तरीका होगा ये कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए। ये हमने रूल नंबर 4 में सीखा था। इन दोनों इवेंट्स को हम लिखेंगे, तो पी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 40/100, मल्टीप्लाई करना है हमें पी ऑफ बी बाय ए जो कि दे रखा है 10/60। इन्हें हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 3, 0 से 0 कट गया, अराउंड आ गया हमारे पास 2/30, और डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास 1/15, यानी वो मेल जो चश्मा लगाते हैं वो आउट ऑफ 15 एक है, यानी 15 में से 1 व्यक्ति चश्मा लगाता ही है, ये बता इसमें रख। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है और लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है। आपको क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तब इनका मिक्सचर पूछा जाएगा, लॉ ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और कई सारी अलग अलग प्रॉपर्टी सीखेंगे, पर इन सब चीजों को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए सब्जेक्ट और ज्यादा इजी होता जाएगा। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा